हेलो एवरीवन, आज हम कार्य पत्र 19 करेंगे। सामाजिक विज्ञान का कक्षा 8वीं का और 24 सितंबर का। तो आज हम करेंगे शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिए कुछ कदम, जैसे कि वन्य और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को गंदा करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं, खराब करते हैं। जल संग्रहण करके पृष्ठीय प्रवाह को बचाया जा सकता है। पानी के रिसने से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए खेत की सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नहरों को ठीक से पक्का किया जाता है। रिसाव और वाष्पीकरण के माध्यम से पानी के नुकसान को रोकने के लिए स्प्रिंकलर से सिंचाई अधिक प्रभावी है। तो वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों से सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि उपयोगी होती है। संरक्षण की इन विधियों को अपनाकर लोग जल संसाधन को बचा सकते हैं। तो आगे पढ़ने से पहले मैं सभी 8वीं के बच्चों को कहना चाहूंगा कि आप चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। तो अब आगे, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संकीर्ण क्षेत्र में मौजूद है, जिसे हम मिलाकर जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में जीवित प्रणालियों और कुछ जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। इस जीवन सहायक प्रणाली को परितंत्र के रूप में माना जाता है। वन्य जीवों में पशु, पक्षी, कीड़े और जलीय अथवा सभी जितने भी हमारे जीवित प्रणाली के वो है प्राणी, वो सभी इसके अंदर आते हैं। जैसे कि पक्षी कीड़ों को खाता है और अपघटित के रूप में काम करता है, इसी तरह से गिद्ध मृत जीवों को खाता है जो कि एक अपमार्जक है और पर्यावरण को साफ रखता है। इसलिए प्राणी चाहे छोटे हो या बड़े, सभी परतंत्र के संतुलन को बनाए रखने में आवश्यक है। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और नमी पर निर्भर है। दुनिया के प्रमुख वनस्पति प्रकारों को जंगलों, घास के मैदानों, झाड़ियों और गुल्म के रूप में वर्गीकृत किया है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष फूलते फलते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे नमी की संख्या घट जाती है, पेड़ों का आकार और उनका घनत्व कम होता है। सामान्य वर्षा वाली क्षेत्रों में पेड़ छोटे आकार में होते हैं, ये झाड़ियां उगती हैं, और बिल्कुल ही कम वर्षा वालों में तो कटीली झाड़ियां ही उगती हैं या कुल्म उगते हैं। अब प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण। जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप से पौधों और जानवरों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव, निर्माण संबंधी गतिविधियां, जंगल की आग, सुनामी, भूस्खलन कुछ ऐसे मानवीय और प्राकृतिक कारण हैं जो इन संसाधनों के विलुप्त होने की तेज गति में काम करते हैं। एक अन्य प्रमुख चिंता का विषय यह है कि विशेष प्रजातियों की संख्या में भारी गिरावट है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव, अभयारण्य जीव, जैव मंडल निक्षेप हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। महत्वपूर्ण संसाधनों को कम होने से बचाने के लिए घाटी, आर्द्रभूमि और झीलों का संरक्षण आवश्यक है। सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव जैसे जागरूकता के कार्य हमारे देश में चल रहे हैं। स्कूली बच्चों को प्राकृतिक शिविरों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है ताकि वे विभिन्न प्रजातियों की आवाज सराहना करें। कई देश ने व्यापार के साथ साथ पक्षी और जानवरों की हत्या के खिलाफ भी कानून बनाए हैं। भारत में शेर, बाघ, हिरण, हाथी, भारतीय सारंग और मोर को मारना गैर कानूनी है। इस बीच एक राष्ट्रीय सम्मेलन CITES की स्थापना की गई जो जानवरों और पक्षियों की कई प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है जिनका व्यापार निषिद्ध है। अब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन, पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए किन्हीं दो कदमों के नाम। सरकार ने प्राकृतिक वनस्पति
और वन्य जीवन की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं। कई जागरूकता कार्यक्रम जैसे कि सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव को भी वन्य जीवन और वनों के संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया है। भूमि संसाधनों के संरक्षण के कोई तीन उपाय, वन रोपण, भूमि सुधार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का विनियमित उपयोग और अतिचारण पर नियंत्रण भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ सामान्य तरीके हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का क्या अर्थ है? एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर उनके आसपास के भौतिक वातावरण के साथ बातचीत करते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते जुलते हैं, और इसे पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। आप इस तरह से वर्कशीट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।